Welcome students to the next lecture. We are continuing with the chapter Principles of Management. We are going to today see or revise rather, because we have already done all this in Google Meet lectures. We are going to see the scientific management principles, a quick revision written by Frederick Winslow Taylor, the full name. I have already told you, whenever objective it comes, you must write the whole name. You should try with writing the appropriate and spelling, you should take care of it. And in your answers, if you write F.W. Taylor, that will be fine. Okay. So he was an American. He was he started his career as a machinist and then later became a chief engineer. Okay. And his principles were based on scientific. Scientifically he prepared his principles. There was a scientific approach, and due to his contribution in a scientific way, he was called the father of scientific management. Yes. And where are these principles applicable? It is not applicable everywhere. It is applicable only in industrial area, in factory area. Okay. Because inka jo bhi concentration principles were based on the factory. Okay. Where people work, workers work. ओके तो उनका जो भी प्रिंसिपल्स था कॉन्सेप्ट था वो वर्कर फोकस्ड है ओके सो ऑल दिस थिंग्स यू मस्ट कीप इन माइंड फॉर योर ऑब्जेक्टिव्स एंड ऑफ कोर्स फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ योर आंसर फॉर द साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स ऐसे पूछा गया है तो इंट्रोडक्शन में भी आप ये यूज कर सकते हो ओके हु इज द पर्सन फ्रॉम वेयर इज ही ओके एंड हाउ डिड ही प्रिपेयर हिज प्रिंसिपल्स He is the father of scientific management, and where are his principles applicable? It is applicable in industrial या factory area में ये इनका principles लागू हो सकता है. Okay? So this much you must remember. This is the picture of F.W. Taylor. There was a definition which is given for the for this principle written by himself. Okay, scientific management consists of knowing what you want men to do exactly and seeing that they do it in the best and cheapest manner. Okay, so scientifically ye kaisa kaam karne ka chota sa chota kaam ko aap scientifically kaise kare aisa soche. Okay, and jo kaam kar raha hai, that is worker, he knows what he is supposed to do. ठीक है तो उनको क्या करना एग्जैक्टली उनको मालूम है और उनसे वैसे ही करवाना ताकि सबसे किफ़ायती और सबसे आसान तरीका से साइंटिफिकली हो जाए वो काम. ठीक है सो ये डेफिनेशन वो था. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, आई एम नॉट गोइंग टू डीपली. साइंस नॉट रूल ऑफ थंब. ओके सो वी क्विकली सी व्हाट इज रूल ऑफ थंब. इट्स अ प्रैक्टिकल एंड अप्रॉक्सीमेट वे ऑफ डूइंग समथिंग. अप्रॉक्सीमेट मतलब पूरा क्लियर नहीं है, अप्रॉक्सीमेट. ठीक है समथिंग बेस्ड ऑन पर्सनल जजमेंट. तो आपका खुद का जो जजमेंट है, आपका एक्सपीरियंस है, आप कुछ काम करते हो तो ये रॉन्ग वे होता है अकॉर्डिंग टू F.W. Taylor. ठीक है दूसरा मेथड हमने देखा ट्रायल एंड एरर मेथड. इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय रिपीटेड वेरीड अटेम्प्ट्स व्हिच आर कंटिन्यूड अंटिल सक्सेस. मतलब आप कुछ ना कुछ अलग अलग तरीका ट्राई करते रहते हो जब तक आप सक्सेस नहीं पाते हो, तो ये भी गलत तरीका होगा. ओके तो इनका क्या तरीका था? साइंस. ओके सो अकॉर्डिंग टू टेलर, टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी, द बेस्ट मेथड ऑफ परफॉर्मिंग द स्मॉलेस्ट ऑफ जॉब शुड बी डिटरमिन्ड थ्रू साइंटिफिक एनालिसिस. छोटे से छोटे काम को आप उसका करने का मेथड, उसका करने का तरीका आप अपनाओगे साइंटिफिकली. एंड व्हाट डू यू मीन बाय साइंटिफिकली? एक्सपेरिमेंट करना है, उसका ऑब्जर्वेशन करना है, डेटा कलेक्ट करना है, उसको एनालाइज करना है, फिर आप जाके कंक्लूजन बनाओगे. ओके सो दैट इज व्हाट इज रिटन. यू कैन ऑल्सो राइट दिस. ओके साइंटिफिक एनालिसिस मीन्स व्हाट? दिस इज दिस यू हैव लर्न लास्ट ईयर ऑल्सो. ओके सो ऑल दिस यू कैन राइट एंड क्लोज योर ब्रैकेट. नाउ मैनेजर कैन हेंस डिफाइन द स्टैंडर्ड टाइम एंड स्टैंडर्ड आउटपुट ऑफ अ जॉब. तो इसका रिजल्ट क्या है? आप साइंटिफिकली डिसाइड करोगे करने का मेथड, तो ये आपको ना सिर्फ मेथड देता है, आपको एक स्टैंडर्ड देता है. ओके तो आपका स्टैंडर्ड टाइम, आपका स्टैंडर्ड आउटपुट क्या आप एक्सपेक्ट करते हो, इसका अनुमान भी आ जाता है अगर आप साइंटिफिकली आप मेथड को आप तैयार करते हो कोई भी काम करने के लिए.
ठीक है. सो दिस विल हेल्प इन सेविंग टाइम एंड एनर्जी एंड अचीव द स्टैंडर्ड आउटपुट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. तो ये पहले से साइंटिफिकली तय हो गया, तो सबको मालूम है क्या आउटपुट होना चाहिए, तो वो बिना टाइम के बर्बाद होते हुए ओके टाइम टू टाइम ओके उतना आउटपुट आपको ऑर्गेनाइजेशन के लिए मिल जाएगा. तो ये प्रॉब्लम्स काफ़ी क्लियर हो जाते हैं फॉर द मैनेजर एज वेल एज वर्कर. ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड साइंस नॉट रूल ऑफ थंब. सो दिस इज अ पिक्चर डिपिक्टिंग दैट साइंस इज बेटर एंड रूल ऑफ थंब इज रॉन्ग. ओके, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड. तो हार्मनी हमने देखा क्या है, पीस, पीसफुल स्टेट जहाँ डिसएग्रीमेंट्स नहीं है. डिस्कॉर्ड मीन्स क्या, डिसएग्रीमेंट्स, झगड़ा. ओके, सो हार्मनी बिटवीन एम्प्लॉयर्स एंड मैनेजर्स विल हेल्प रिड्यूस एनी कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन देम. ओके, तो कोई भी कॉन्फ्लिक्ट को ये अगर पीसफुल है तो कोई भी झगड़ा नहीं होने वाला है. तो परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग, ये एनवायरनमेंट बहुत ही ज़रूरी है. ठीक है, हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट होता है जब सब सुख शांति है. ओके, विच इज़ एसेंशियल टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल और सक्सेस. अगर पीस है, अगर अंडरस्टैंडिंग है, अगर फ्रेंडली एनवायरनमेंट, हेल्दी एनवायरनमेंट है कंपनी में, यस, तो सब अपना गोल अचीव कर पाएंगे. कंपनी का गोल अचीव होगा क्योंकि सब अपना काम कर रहे हैं शांति से. ओके, सो दिस इज अ डायग्राम. हार्मनी मतलब जब सीखा हुआ पियानो बजा रहा है और दूसरा एक बच्चा बजा रहा है जिसको कुछ मालूम नहीं है. सो डिस्कॉर्ड, ठीक है, तो पीस रहना चाहिए कंपनी में ताकि काम हो. ठीक है, मेंटल रेवोल्यूशन, ये हमने देखा है. रेवोल्यूशन इज कंप्लीट और मार्क चेंज इन समथिंग. ओके, फुल चेंज इन एटीट्यूड ऑफ द एम्प्लॉयज एज वेल एज मैनेजमेंट, ये हमने देखा. ओके, सो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट होते हैं. बोथ आर वेरी इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. ऐसा नहीं कि मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है वर्कर्स नहीं, या वर्कर्स इंपॉर्टेंट है मैनेजर्स नहीं, ऐसा नहीं होता है. दोनों ही इम्पॉर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशन अच्छा चलाने के लिए. ओके, सो ऐसा अगर एटीट्यूड में चेंज हुआ तो देर विल बी इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी एंड प्रॉफिट. ओके, तो यहाँ एग्जाम्पल के माध्यम से आई हैव टोल्ड यू व्हाट ऑल मैनेजर्स एक्सपेक्टेड टू यू नो चेंज इस एटीट्यूड. आप उनका एटीट्यूड में कैसा चेंज होना चाहिए, मैनेजर्स ने एम्प्लॉयज के बारे में सोचना चाहिए. ओके, ही शुड सॉल्व द प्रॉब्लम साइंटिफिकली, क्रिएट सूटेबल वर्किंग कंडीशन, गिव फेयर रेम्यूनरेशन, उनको मोटिवेट करें, उनको उनका मोरल को बूस्ट करें, ये सब मैनेजर ने करना चाहिए. ओके, और एम्प्लॉय का चेंज ऑफ एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, ही शुड वर्क विथ डिवोशन टू देयर ऑप्टिमम कैपेसिटी. अपना खुद का 100% देना चाहिए एंड यूज ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज केयरफुली विदाउट वेस्टिंग देम. घर का काम कुछ वेस्ट नहीं करते, ठीक वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन का भी बिना कुछ वेस्ट किए. ओके, ऐसे डेडिकेशन और एफिशिएंसी के साथ काम करना चाहिए. सो दिस इज अ चेंज और मेंटल रेवोल्यूशन, चेंज इन द एटीट्यूड ऑफ बोथ एम्प्लॉयज एंड एम्प्लॉयर्स. ठीक है, सो दिस इज अ डायग्राम अबाउट दैट. नाउ कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, आई टोल्ड यू दिस इज सिमिलर टू द you will see lots of similarities between Henry Fayol's principles as well as F.W. Taylor's principles. So Taylor emphasizes on mutual cooperation between the two workforce. Two workforce mein kaun kaun hai, ek hai management, dusra hai employees. Okay, to cooperation, agar trust, team spirit, ye sab zaruri hai to create a healthy environment in an organization. Okay, management should always consider suggestions. तो हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए मैनेजर्स ने क्या करना चाहिए, एम्प्लॉयज ने क्या करना चाहिए. ओके, मैनेजर शुड ऑलवेज कंसिडर द एम्प्लॉयज सजेशंस, उनको सुन के लेना. ओके, और उनको कंपनी का एक भाग, उनको इंक्लूड करना हर चीज में. ओके, एंड कंसिडर देम एज इंटीग्रल पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. इससे जो एम्प्लॉय है उसको ही विल फील नाइस, ही विल फील एज इफ he belongs to the organization. तो ये management का कर्तव्य है कि employees का suggestion सुन के लें और उनको include करे हर चीज़ में. ठीक है, and employees should not go on strike and make unnecessary demands from the management. Okay, तो employees का भी ये responsibility है कि cooperate करें, कि खुद का ना सोचे, पहला management पहला company का सोचे. ठीक है, तो strike में ना जाए जिससे company को नुकसान होगा. ठीक है, ठीक है, डिमांड्स रखो, लेकिन अननेसेसरी डिमांड्स जो पूरा नहीं हो सकता है, ऐसा डिमांड्स रख के मतलब नहीं है. तो कोऑपरेशन. ओके,
Next is, so if everybody cooperates with the work, sab kaam vyavasthit hoga. Okay, so this picture depicts that. Now responsibility, division of responsibility. Yahan management aur employees ke beech mein jo responsibility hai wo barabar batta hua rehna chahiye according to F.W. Taylor. Okay, there should be proper division of responsibility. Abhi, what will the managers management do and what will the employees do? Planning is done by the top and middle level authorities. They should encourage, help and guide employees. Unka yehi kartavya hai. Aur employees ka kya hai? They should concentrate on execution of plan and report as per the instructions given by the superior. To unka plan ko ye execute karenge. Unka jo bhi instructions hai wo barabar follow karke unko report karna. Ye hai responsibility of the employees. So I have split both the responsibility as two points. ओके मैनेजर्स का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, एम्प्लॉयज का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है. ओके दोनों अपना अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएंगे. दिस विल हेल्प टू बेटर द ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस. ओके सो दिस इज अ पिक्चर फॉर दैट. डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉय, दिस लास्ट पॉइंट, एन एम्प्लॉय फॉर ग्रेटर एफिशिएंसी एंड मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी. आई हैव टोल्ड यू व्हाट इज प्रॉस्पेरिटी. मैनेजमेंट के लिए क्या प्रॉस्पेरिटी है? अच्छा सेल्स होना, अच्छा प्रॉफिट कमाना. ओके एंड ठीक वैसे एम्प्लॉय का क्या प्रॉस्पेरिटी है? उनका पर्सनल ग्रोथ. ओके वो जगह में उनका प्रमोशन, यस उनका डेवलपमेंट, ये सब एम्प्लॉयज़ के लिए प्रॉस्पेरिटी है. ओके तो F.W. टेलर बोलते हैं कि दोनों को ही प्रॉस्पेरिटी का अनुभव होना चाहिए. ओके सो अभी परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड्स ऑन द स्किल एंड कैपेबिलिटीज ऑफ द एम्प्लॉयज. आप कितनी भी अच्छा से रखे आपका कंपनी को. ओके यू हैव लॉट्स ऑफ फंड्स, ठीक है, आपके पास बेस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी है, लेकिन आपके पास अच्छा स्टाफ नहीं है तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट. ओके सो एक्चुअल परफॉर्मेंस और एक्चुअल सक्सेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन कम्स विद द स्किल्स एंड कैपेबिलिटीज ऑफ द एम्प्लॉयज. ओके तो इसके लिए क्या करना चाहिए? एम्प्लॉयज को एम्पल डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज, ओके उनको ट्रेनिंग देनी चाहिए. स्टार्टिंग में तो मिलता है, बीच में भी अगर उनके करियर में कहीं भी कुछ नया आया जिससे वो जूझ रहे हैं, वो नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको एडिक्वेट ट्रेनिंग दी जानी चाहिए ताकि वो अपना काम एफिशिएंटली कर पाए. ओके डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज लाइक उनको फर्दर स्टडीज का अपॉर्चुनिटीज आप दे सकते हो एज कंपनी, उनको टाइम दे सकते हो, उनको फंड कर सकते हो. ठीक है तो दिस वे you can give employment you can give employees training and development opportunities jisse unka efficiency badhega aur unka efficiency ke wajah se company ko hi benefit milne wala hai. okay company will do well if company does well obviously un dono ko hi prosperity mil raha hai, employer ko bhi aur employee ko bhi. okay so with that we stop here. okay this is the all the points written. okay as I have told you, you can make a password kind of thing. okay so here you see initial letters SHMCDD. okay so I mentioned this when I was teaching you that if you make password for each and every answer of yours, to ye SHMCD2 to iska Sam hit my cat Dusty Dew. ओके तो ऐसा एक सेंटेंस बनाओगे. ओके साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स का ये कोड है. ओके सैम हिट माय कैट डस्टी ड्यू. तो ये अगर ये सेंटेंस याद है आपको तो आप पॉइंट्स याद रखना आपको आसान हो जाएगा. ओके दिस इज व्हाट आई मेंशनड, सो आई ट्राई टू पुट इट इन माय PPT प्रेजेंटेशन फॉर यू टू प्रिपेयर सच कोड वर्ड्स फॉर ईच एंड एवरी आंसर सो दैट यू कैन रिमेंबर द पॉइंट्स. ओके एट द लाइक OC जैसे सब्जेक्ट में इफ यू मेक सच कोड वर्ड्स it is easy for you to remember your answers. okay so do make it a practice because every slide or every answer will not be able to make code words for you. this was just an example so that you make one for every answer and you remember them. okay ye likhna nahi hai answer sheet mein, bahut bacche likhte hain, ye likhna nahi hai. okay it is just for your remembrance. aap man mein rakho aur answer aap likhoge. theek hai so that's all for today. thank you.